सुसाइड नोट पर लिखा नाम दोषी ठहरा सकता है लेकिन साबित नहीं कर सकता। कर्ज के बोझ तले दबे पंजाब के किसान पिता पुत्रों ने सुसाइड नोट पर अपनी मौत का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया है। हाल ही में सामने आया मामला होशियारपुर जिले के मोहम्मदीपुर गांव का है। जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है उसमें केंद्र सरकार के साथ साथ पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। बता दें कि दोनों पिता पुत्र किसान आंदोलन में खासे सक्रिय रहे थे, सिंधु बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। मृतकों की पहचान नंबरदार जगजीत सिंह जो कि 70 साल के हैं और कृपाल सिंह जो कि 40 साल के हैं, इनकी मौत हुई है। अब सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि मोदी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, सरकार किसानों के मन की बात नहीं सुन रही, कृषि कानूनों ने किसानों को बर्बाद कर दिया है, कैप्टन सरकार ने भी हमारा कर्ज माफ नहीं किया, हम तंग आ गए हैं, अब जीना नहीं चाहते इसलिए खुदकुशी कर रहे हैं। ये तो हमने आपको हाल की खबर बताई, लेकिन इसके साथ ये भी बताते चलते हैं कि सुसाइड नोट पर किसी का नाम लिख देने से वो दोषी साबित हो सकता है लेकिन गुनहगार नहीं, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। वह सुसाइड नोट पर नाम लिखा होने से कोई दोषी नहीं होता, आरोपियों को सजा दिलवानी है तो अभियोजन पक्ष को आरोप साबित करने ही होंगे। सुसाइड नोट को तब तक पर्याप्त सबूत नहीं मान सकते जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के केस में आरोपी पिता पुत्र को बरी करते हुए की थी, इन्हें पंजाब हाई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। क्या था ये भी मामला थोड़ा समझ लेते हैं। जलालाबाद के डॉक्टर जसपाल सिंह ने अपने भाई गुरचरण सिंह के साथ बैंक से कर्ज लेकर कोयला खर्च शुरू की थी, इसमें भारी नुकसान हुआ था। डॉक्टर जसपाल 22 मार्च 1999 को लापता हो गए थे, बैंक ने सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। ऐसे में उनकी पत्नी सुरजीत और दो बेटियां जलालाबाद छोड़कर अबरोहा में शिफ्ट हो गई और वहीं पर रहने लगी, लेकिन 3 अक्टूबर 2000 को उन्होंने घर आकर आत्महत्या कर ली और नोट में अपने जेठ जेठानी और उनके बेटे सुखविंदर सिंह को जिम्मेदार ठहराया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिश्रा की बेंच ने इन लोगों को बरी कर दिया था, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया चली थी उसके बाद इन्हें बरी किया गया। अब बात यहाँ पर आती है कि जिन किसानों ने सुसाइड नोट में केंद्र सरकार का नाम लिखकर आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, तो क्या इस नोट के आधार पर सरकार के ऊपर कोई सवालिया निशान खड़ा किया जाएगा? क्या सवाल सरकार से पूछा जाएगा या कटघरे में मोदी सरकार रहेगी? क्या वो पूरा प्रोसेस जो एक आम आदमी को या फिर आम ऐसे किसी केस में लोगों को झेलना पड़ता है, वो पूरा प्रोसेस मोदी सरकार के ऊपर भी फॉलो होगा? ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अगर आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नोट्स के आधार पर सरकार के खिलाफ भी, अगर आम लोगों के खिलाफ होती है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें tuple.com पर। धन्यवाद।